और चलिए बढ़ते आगे और भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बात करते हैं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रेस वार्ता की। रोजाना वो प्रेस वार्ता करते हैं, आज भी कई मुद्दों पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और खास तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। अमेरिका में पीएम मोदी की तारीफ पर कहा कि आज तो कांग्रेस वालों की चिड़िया उड़ गई होगी, क्योंकि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। और कांग्रेस नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा है कि जलन की ये प्रतिक्रिया है और जलन पर बर्नौल भेजा जा सकता है। योग पर कांग्रेस पर गृह मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि एक भी कांग्रेस नेता कहीं योग में दिखाई नहीं दिया और कांग्रेस को ये माना जा सकता है कि एलर्जी है भारतीय संस्कृति से। अमित शाह के दौरे पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा, सुनिए। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है, ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बर्नौल ही भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें, सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने पलटवार किया। बाला बच्चन ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सत्ता के दीवाने हो गए हैं, सत्ता के नशे में रहते हैं। सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है, मध्यप्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के योग दिवस के दिन प्रदर्शन पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस और वामपंथी दल आजादी के बाद से भारत की संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। जिस योग को पूरी दुनिया आत्मसात कर रही है उसका कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस को शर्मानी चाहिए, विश्वास सारंग की तरफ से कहा। वामपंथी दल आजादी के बाद लगातार इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात करते आए हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस योग को मोदी जी की पहल पर पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, कांग्रेस उसका मखोल उड़ा रही है। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, एक सूत्र में ये देश का ये विचार पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। पूरी दुनिया में योग दिवस पूरी प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान की करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया। खास तौर पर भोपाल में युवक के साथ जो मारपीट की गई थी, उसके गले में पट्टा डालकर जो मारपीट की गई थी, इस मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसे विधर्मी पूरे देश में भोपाल समेत उत्पात मचा रहे हैं और सख्त एक्शन इस पर सरकार ने लिया है। आदि पुरुष को बैन करने की मांग पर जब सवाल किया गया, सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो कि साध्वी भी हैं, फायर ब्रांड नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो फिल्म देखी नहीं है और उन्होंने ये गेंद सेंसर बोर्ड के पाले में डाल दी। इसके अलावा गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। विधर्मी लोग जो हैं, वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं, मानवीयता खो दी है और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, वो स्पष्ट होने लगे हैं। मानवीयता तो उनके अंदर पहले भी नहीं थी और इसलिए जहां देखो वहां काटना, जहां देखो वहां मारना और जहां देखो वहां भी कुत्ते जैसा उसको बना करके जो घुमाया है, ये उस व्यक्ति, उस बालक का जो लड़का है उसका बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। और उनको जो सजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, यहाँ के प्रशासन ने दी है, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करती हूँ कि जहां से भी
हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें सरल अध्ययन मिलता है, इससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीजों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब अपनों से ही खंडवा के सांसद घिरने लग गए तो उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो खंडवा के सांसद हैं उनकी, जिन्होंने बजरंग दल पर, जो इंदौर में जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी, इस पर बयान दिया था। और अब सफाई देते हुए वो कह रहे हैं कि उनके बयान का मतलब ही गलत निकाल लिया गया, उनका निशाना कांग्रेस पर था। आपको बता दें कि इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से पूछा गया था कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की हार के बाद उसका बदला मध्य प्रदेश में बजरंगियों से लिया जा रहा है, जिसके जवाब में ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा था कि कोई पीट नहीं रहा है, जो भी बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटेगी। इस बयान के बाद बजरंग दल ने सांसद के बयान का विरोध किया था, अब सांसद यू टर्न ले चुके हैं। जो कोई यदि बजरंगबली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटती है। और हम तो जो है कि जनता की भलाई का काम करने वाली पार्टी है, जनता के हित में अच्छा जो हो सकता है वो करने का काम कर रहा है। और चाहे बाला बच्चन हो, चाहे कमलनाथ हो, इनकी बौखलाहट है, इनको मालूम है कि अब हमारे जमीन जो है हमारे पैरों के नीचे से निकल चुकी। कोई बोलने का आशय बजरंग दल के विषय में नहीं था। बजरंग दल हमारा हिंदू संगठन है, तो मेरा कांग्रेस के ऊपर ये था कि कांग्रेस जिस तरह से बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करती है और बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रशासन और जनता छोड़ने वाली नहीं है। यदि इस तरह से ऐसा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या कि भावनाओं को ठेस लोगों को पहुंच गई होगी, इस बयान से माफी भी मांग रहे हैं, शब्द वापस ले रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। न्यूज 18 की खबर के असर की बात करते हैं। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है और उसके बाद 77 ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे दिव्यांगजन हो के, और इससे नौकरी हासिल कर ली थी, फर्जी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाकर, इन सब पर FIR हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताएं कि मुरैना में 77 लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नौकरी हासिल की, जिसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई और अब FIR हो चुकी है। इस कार्रवाई से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वालों में भी हड़कंप मच गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई दी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है।